हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग जॉब प्लस में। तो कवर करते हैं पूरी डिटेल, बने रहना है वीडियो के अंत तक मेरे साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरे चैनल के माध्यम से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी और टीजीटी पीजीटी पीआरटी की जो वैकेंसी आती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन मेरे चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक दिन मिलता रहता है। तो कवर करते हैं पूरी डिटेल, बने रहना है वीडियो के अंत तक। और ये नोटिस जारी हुआ था 28 जुलाई 2023 को और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इसको आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। तो सभी डिपार्टमेंट अलग सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट है, तो बहुत बड़ी अपडेट है। और ये यूनिवर्सिटी पढ़ती है जो है उत्तराखंड में, उत्तराखंड एक डिस्ट्रिक्ट है उधम सिंह नगर, उसकी तहसील है किच्छा। तो वहाँ पर एक जो है प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी है ये सूरजमल यूनिवर्सिटी किच्छा। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है तो सभी सब्जेक्ट में है। देखिए एप्लीकेशन इन द पब्लिक एप्लीकेशन फॉर्म द इन्वाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द वैकेशन टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्टिंग इन द सूरजमल यूनिवर्सिटी किच्छा उत्तराखंड। मैंडेट इन द एलिजिबल सिटी क्राइटेरिया फाइल्स अवेलेबल द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, www.smu.ac.in पर जाना है। लास्ट डेट टू रिप्रिंट ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफिस इज अगस्त जो है 16, 2020, यानी कि 16 अगस्त तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 1000 फीस रहेगी फॉर जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, 500 फीस रहेगी फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए फ़ीस रहेगी, 500 फॉर द टीचिंग पोस्ट एंड जो है 700 फॉर जनरल ओबीसी कैटेगरी एंड 300 अनरिजर्व कैटेगरी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रहेगी। द यूनिवर्सिटी रिसीव द राइट ऑफ द चेंज द ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी एनी कैटेगरी एंड द आल्सो वंडरवाल पोर्टल फॉर द एडमिशन विदाउट इसिंग एंड द सेशन। तो दे सकते हैं, पोस्टों को घटाया बढ़ाया जा सकता है यदि कर यूनिवर्सिटी का होगा। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप भी इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और पा सकते हैं प्रत्येक दिन एक नई अपडेट।